Hello students, welcome to Unacademy Studios Escape Velocity, your one-stop solution for complete JEE preparation. मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं KVPY में इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाते हैं दोस्तों. तो थोड़ी देर में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा. सबसे पहले मैं टॉपिक का टाइटल बता देता हूं, क्रैकिंग इंटरव्यू इन KVPY विच इज द सेकेंड स्टेज इन द KVPY एग्जामिनेशन. सो देखते हैं क्या क्या हो सकता है उस चीज़ के अंदर. सबसे पहले मैं अपने आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूं. मेरा नाम है प्रशांत जैन, ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं. IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूं, पिछले 5 सालों में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूं. हर साल मैं बच्चों को इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करता हूं KVPY के लिए. काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, तो मुझे पूरी प्रोसेस का अंदाज़ा है, तो वही प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. ये मेरे टाइमिंग्स है दोस्तों, जब मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव होता हूं, कंप्लीट क्वाड्रेंट ज्योमेट्री 12 बजे, KVPY NACJS क्रैश कोर्स 3 बजे. ये मेरे टाइमिंग्स हैं बच्चों. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं @PrashantJain42, ये मेरा कस्टम URL है दोस्तों, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी आ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए. ये मेरी स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल है दोस्तों, शाम को 7 बजे मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, ठीक है. तो आप लोग आ सकते हैं 26th of August से, 26th of August से दोस्तों मेरा KVPY का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है. प्लीज़ आप लोग जल्दी कोशिश कीजिए कि KVPY क्रैश कोर्स के लिए भी रजिस्टर कीजिए. मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में आपको दूंगा. ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों, मेरे फ्री लेसन्स जो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं. अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE के वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे को फॉलो कीजिए. वहाँ के मेरे कोर्सेज जो होंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. ये प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ अब चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों. आप लोग जब अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन करते हो, IIT JEE एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है. दो रीज़न है, एक तो सिलेक्शन रेशो तो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, मगर इस एग्जाम का जो आर्टिकुलेशन है, जो पेपर आता है, जो पैटर्न है, वो बहुत डिफिकल्ट है. हर साल एक तो पेपर पैटर्न चेंज होता है, तो बेसिकली आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको पूरी प्रोसेस में गाइड कर सके, मेंटली स्ट्रांग कर सके कि प्रेशर आप ना लें. राइट, प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है IIT JEE की प्रिपरेशन, क्योंकि IIT JEE की प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहाँ पे हम लोग हिम्मत हार जाते हैं. राइट, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है. तो करना क्या है, प्लस प्लेटफॉर्म पर आना है, ऐसे मेंटर से मोटिवेशन लेना है जो खुद ये जर्नी को क्लियर कर चुके हैं. जैसे मैं खुद 2007-2008 2 साल IIT JEE के लिए पढ़ा, बहुत अच्छी रैंक के साथ IIT बॉम्बे गया. जो मेरे साथ सब प्रॉब्लम्स थी वो सब मैं अपने बच्चों को शेयर करता हूँ, अपनी खुद के एक्सपीरियंस है आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकें. उसके अलावा दोस्तों, ये तो मोटिवेशन वाली बात हो गई. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर हैं. बैचेज एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, 21 बैचेज हम लोगों के चल रहे हैं, विच मीन्स कि बहुत रिच प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी. काफ़ी सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आ चुके हैं. आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं, उसके अलावा दूसरे फैकल्टी से भी पढ़ सकते हैं. केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसमें जो जो आपकी वीकनेसेस है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं. बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं. अब मान लीजिए आपने कोई बैच ज्वाइन किया और उसमें आपकी क्लास मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में. सो बेसिकली सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है आपके हिसाब से, सिस्टम आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल है, और जिस तरह से आप चाहें उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा सिस्टम आपको एक्सेस हो जाता है अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो. जैसे ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप जाएंगे, आपका जो बैच होगा उसी के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो उस इंस्टीट्यूट के बेस्ट टीचर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको पढ़ाएं, मगर यहाँ पे जो टीचर आप चाहते हैं उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं. एवरीथिंग इज फॉर यू, ऑल यू नीड इज टू जस्ट कम ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट डू यू हैव टू डू टू कम ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, दिस इज द सब्सक्रिप्शन चार्जेस. इफ यू वॉन्ट टू टेक अ कोर्स फॉर 2 ईयर्स, बेसिकली इफ यू आर इन क्लास 11 and that is your preference that you want to complete your preparation with Unacademy, then you can opt for 2 year course. 2 year course, the fee is 40,000, and in this 40,000, what are you getting? You are getting 30 plus hours of live lessons every day. You are getting live courses in English and Hindi. So language you can prefer, whatever is your preferred language, you can go for it. 39 plus top educators, which means you can go for any educator as per your own wish. If you have come for me, then you can go for my courses. If you have preference of any other educator in physics and chemistry, you can go for them. Right? So basically, it is for you to decide with whom you want to go.
And this is the most important thing. We are publishing one course every month. So for example, I will be publishing conic section, like complete coordinate geometry course, next month. So that will be a premium course which you can access if you can come on the Plus platform. And the cherry on the cake is that if you use PJLive as code, PJLive, this is my referral code, if you use this code, you will get 10% discount on this amount. So I told you that 40,000 is the amount. This is the amount which is written there. If you write PJLive as code, then you will get 10% discount. You can see here, 10% discount. 36,000 is the amount which you are getting, right? So ye bahut achhi cheez hai dosto, mere hisab se you can go for it, right? Chaliye, ab main aapko ek cheez bata deta hun dosto, agar ek saal ka course aap lena chahte hain to 25,000 iske charges honge. 25,000 ke andar aap log kya kar sakte hain? Again, अगर मेरा कोड PJ Live यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आप देख सकते हैं अमाउंट 22,500 हो गया. इसके अलावा KVPY का एक क्रैश कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं दोस्तों. इसके बारे में काफी ज्यादा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी प्लस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हैं. 26 अगस्त से 25 अक्टूबर तक ये कोर्स होगा बच्चों. 3 मंथ्स का कोर्स है ये. 3 मंथ आप लोग ले सकते हैं क्योंकि 3 नवंबर को एग्जाम है, तो तकरीबन 3 महीने का कोर्स है. 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी स्टडी मटेरियल मिलेगा और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, स्ट्रैटेजी टिप्स, राइट. बहुत ही ऑसम कोर्स है ये जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है. आप लोगों ने डिमांड किया था उसके बाद डिज़ाइन किया गया है. इसके लिए व्हाट यू हैव टू पे, आप लोग 11,250 पे करके प्लस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं. 12,500 फीस है, बट इफ़ यू यूज़ माय कोड PJLive गेट 10% ऑफ, राइट. सो जस्ट कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट दिस डिस्कशन विद मी लाइव टू लाइव. तो जल्दी से इसको, इस इंफॉर्मेशन को देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है दोस्तों, तो PJLive कोड आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं प्रोसेस आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रोसेस क्या है. KVPY स्टेज 1 होता है 3 नवंबर को है. जैसे इसका जो रिजल्ट है बच्चों वो आएगा दिसंबर में. फिर उसके बाद जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको एक फॉर्म भेजा जाता है. एक तो स्टूडेंट को भरना होता है और एक टीचर को भरना होता है. 2 फॉर्म होते हैं, एक स्टूडेंट को भरना होता है, एक टीचर को भरना होता है. फिर उसके बाद दोस्तों जनवरी एंड से इंटरव्यूज चालू होते हैं, जो या तो IISc में होंगे, अगर जयपुर में है तो MNIT में हो जाता है. तो ऐसे कुछ सेंटर्स आते हैं एटसेट्रा जहां पे इंटरव्यूज होते हैं. ठीक है, इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% होता है. एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज 75% होता है, राइट. 75% एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज है बच्चों, 25% इंटरव्यू का वेटेज है. इसके बेसिस पे जो फाइनल रिजल्ट आता है अप्रैल में आता है. जो बच्चों का नाम फाइनली इसमें आता है, जैसे मान लीजिए SA SB SX, ये तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, ये काफी कम सेलेक्ट होते हैं, इनको तो केवल स्कॉलरशिप मिलती है. इनको स्कॉलरशिप प्लस एडमिशन ऑफर होता है. ये 12th के बच्चे हैं, ये 11th के बच्चे हैं. स्कॉलरशिप प्लस एडमिशन ऑफर होता है अगर ये लोग बच्चे IISc में एडमिशन लेना चाहे तो. IISc की फी बहुत कम होती है, 35,000 के करीब फीस है, और स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स कहा जाता है इनको, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट. और फिर इसके अलावा इनको 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्लस 28,000 एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट. अगर आप किसी रिसर्च वगैरह प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट लेना चाहते हैं तो 28,000 तक का ग्रांट आप ले सकते हैं. सो बेसिकली एक्चुअली यू विल स्टार्ट अर्निंग इफ यू गो टू
KVPY college, that is IISc, Indian Institute of Science. So, काफी affordable college होता है और इसकी reputation भी बहुत ज़्यादा है. In fact, IISc के अंदर JEE Advanced के through भी admission होता है. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप 11th में select हो जाते हैं, तो आपकी जो seat है, वो 12th class में ही book हो जाएगी. मतलब आपके दिमाग से ये pressure हट गया कि भाई मेरे को कोई अच्छा college मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है. SX 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है, जैसा मैंने बताया स्कॉलरशिप प्लस एडमिशन मिल जाता है, इसमें भी सीट्स आपकी बिल्कुल बुक हो जाती है. SB फर्स्ट ईयर है, इसमें स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, बट आप SB में तभी एलिजिबल है जब आप BSc BMath BStat ये कुछ डिग्रीज करते हैं, तभी आप रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड, बिकॉज KVPY एक ऐसा एग्जाम है जो रिसर्च को प्रमोट करता है. जल्दी से इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए. ये प्रोसेस है बच्चों जो मैंने आपको बताया, राइट. अब देखिए, फिलिंग द फॉर्म्स, दो तरह के फॉर्म होते हैं. एक होता है टीचर रिकमेंडेशन फॉर्म, इसको आप अपने स्कूल टीचर से भरा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, जो आपके बारे में पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव दोनों लिख सके. ठीक है, ट्राई टू गेट ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज लेने की कोशिश कीजिए आप, राइट. तो सबसे पहले हम टीचर वाले फॉर्म के बारे में बात करते हैं. बेसिकली आप देखिए, स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जो टीचर है आप, उसने आपको ऑब्जर्व किया है, आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट पे सेलेक्ट हुए, इसका मतलब एक शार्प स्टूडेंट है. ठीक है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि भाई ये जो बच्चा है, मतलब मान लीजिए मैं टीचर हूं और ये स्टूडेंट है जो KVPY स्टेज वन में सेलेक्ट हुआ है, तो मुझसे KVPY वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये बच्चा, आपने जितने भी बच्चे आज तक अपनी लाइफ में पढ़ाए उसमें से टॉप 1% में आता है क्या. ऑब्वियसली वो टीचर लिखेगा यस, क्योंकि आपको बच्चे के बारे में पॉजिटिव लिखना. तो ऐसा टीचर ढूंढिए जिसकी लाइफ में आप टॉप स्टूडेंट की तरह आते हैं. ठीक है, दूसरा आप टीचर से पूछा जाता है कि भाई ये बच्चे का रिसर्च में इंटरेस्ट कैसा है. तो रिसर्च में देखिए पॉइंट ये है कि आप चाहे आगे जाके IIT जाएं या कैसे भी जाएं, अगर आपको KVPY क्लियर करना है तो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन रिसर्च, यू हैव टू, राइट. तो टीचर आपका इसी तरह से होना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट बता सके, राइट. ये चीज हो गई एक. तो टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट इंटरेस्ट इन, टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट इंटरेस्ट इन रिसर्च, मतलब आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, ये चीज वो डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए उसको. ठीक है, फिर दूसरा फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट फॉर्म. अब ये स्टूडेंट क्या खुद ही अपनी तारीफ करते हैं. स्टूडेंट वाला फॉर्म होता है ना, उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. अब फेवरेट सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कहां पे, इंटरव्यू में. ठीक है, तो आपने मान लीजिए फिजिक्स लिख लिया तो फिजिक्स पूछा जाएगा. उसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपने कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटी की है, तो उसमें किसी एग्जीबिशन का नाम लिख दीजिए या फिर किसी ना किसी चीज का लिखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लिखना जरूरी है ताकि ये हो, ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि भाई आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है. कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है, बहुत ज्यादा ईमानदारी मत दिखाइए उसके अंदर. मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं किया लाइफ में, बस आपका एप्टीट्यूड अच्छा है इसलिए आपने क्लियर कर लिया, या नहीं लिया कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया. ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि भाई आपकी एक ऐसी शॉर्टकमिंग बताओ जो आपके अंदर है और आपने उसको ओवरकम किया है. तो आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी चीज लिख सकते हैं, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है. जैसे एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि भाई मेरे में पेशेंस की कमी है, मैं ज्यादा ध्यान से सुन नहीं पाता, कुछ भी चीज आप ले सकते हैं, बट इट इज अपॉन यू. इसके बहुत सारे आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे. कोशिश कीजिए कि कोरा पर आप लोग पिछले जो KVPY स्कॉलर्स हैं उनके आंसर सुन सकें. ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज वन इंफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट फॉर्म बहुत ऑनेस्टली भरिए, मगर रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो होने चाहिए. वहां पे आप थोड़ी सी शैतानी कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी किए हैं तो लिखने जरूरी है. ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट बहुत ध्यान से रखिए ताकि उस फेवरेट सब्जेक्ट को आप लोग
क्लियर कर सके, मतलब वहां से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं, वही आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है फिलिंग फॉर्म्स की, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। फिर मॉक इंटरव्यूज, अब आप देखिए इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं वहां पर, क्यों, रिसर्च वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर आएंगे, वो आपसे बहुत सारी चीजों के प्रूफ पूछेंगे, ठीक है। प्रूफ में आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये निकालो, या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को प्रूफ करो, किसी भी चीज का प्रूफ पूछ सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए उनका ये फोकस होता है कि आपको कहीं ना कहीं अटकाएं, और फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री में भी पूछेंगे, मैथ्स में भी पूछेंगे, बायो में भी पूछेंगे। अब आप मान लीजिए जेई प्रिपेयर कर रहे हैं तो बायो तो आपका खराब ही जाएगा, ये तो पक्का है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका बायो खराब जाएगा, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप सबसे पहले जैसे आपने फिजिक्स सब्जेक्ट बोल दिया उसके क्वेश्चंस के कोशिश कीजिए कि उनसे आंसर दे सके। उनको पता है क्या देखना होता है कि आपकी प्रोसेस क्या है, वो आपको एक पेन देंगे, कॉपी देंगे, वहां पे आपको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस देंगे आपको, मेनली वो एकेडमिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो एकेडमिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपने लिया सॉल्व किया, तो कोशिश कीजिए कि स्टेप्स बहुत अच्छे से लिखें आप, क्योंकि वो स्टेप भी देखते हैं कि भाई बच्चे का अप्रोच कैसा है, फिर वो आपको हिंट भी देंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, देखिए मान लो पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा, वो लेवल बढ़ाते रहते हैं, इवेंचुअली देखो उनको इतना आता है कि वो आपको अटका तो देंगे, तो जहां पे वो आपको अटकाएंगे ना वहां पे आपको उनसे पूछें, सर प्लीज कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू गिव मी अ हिंट, तो फिर वो आपको हिंट देंगे, उस हिंट को कैच करने की कोशिश करो, उस हिंट को कैच करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सो मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपको यही चीज करनी है, ठीक है। ट्राई टू गिव 3-4 मॉक इंटरव्यूज, बहुत लोग मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपने जो दो फॉर्म भरे हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, तुक्के मत मारना वहां पर, तुक्के नहीं, रिसर्च वाले लोग तुक्के नहीं मारते, तुक्का नहीं मारना, कोशिश करो कि अगर आप तुक्का मार भी रहे हो ना तो बोलो सर आई वुड लाइक टू गेस दैट दिस कैन बी द थिंग, आपने हाइपोथेसिस को क्लियर करो, ठीक है। कोशिश करो कि तुक्केबाजी कम से कम करो, तुक्केबाजी में मजा नहीं आता, किसको, केवीपीवाई वालों को, तो प्लीज तुक्केबाजी आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको नहीं आता ना, आप साफ बोलो सर आई डू नॉट नो अबाउट दिस, प्लीज कैन यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन, आप बहुत पोलाइटली बोल सकते हो, दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि यार देखो आप बच्चे हो, इवेंचुअली उनके सामने तो बच्चे ही हो ना एटलीस्ट, तो डेफिनेटली दे विल नो एंड दे विल आस्क समथिंग आंसर ऑफ विच यू डू नॉट नो, आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, तो उसमें डरने की दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, साफ मना कर दो सर नहीं आता, आप कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक इंटरव्यूज के अंदर भी ये ध्यान रखिए, लर्न टू से नो, रैंडमली तुक्केबाजी, गैस वर्क, इस तरह की चीजें नहीं चलती, ऑब्जेक्टिव पेपर में चल जाती है मगर इंटरव्यू में नहीं चलती, राइट। चलिए फिर प्रेजेंटेशन वैल्यू, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक तो जब आप जाएं ड्रेस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर हो, नीटली आयरनड हो, इट शुड लुक लाइक दैट यू आर अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमेन, ठीक है। योर अटायर शुड बी प्रॉपर, कोशिश कीजिए अगर स्कूल यूनिफॉर्म में जा सके दैट विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट, अगर आप स्कूल ड्रेस में जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी जाते तो भी एक अच्छे से, जैसे कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन वैल्यू की एक अपनी वैल्यू होती है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो कंक्लूजन के तौर पे दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है 25% वैल्यू है इंटरव्यू की, बट फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पहला इंटरव्यू होता है बहुत सारे लोगों का, ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी अच्छे से आपने जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई उनको फॉलो कीजिए एंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ जस्ट हिट लाइक, रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर वीडियोस। Subscribe our channel. We'll soon be reaching 1 lakh subscribers and it will be an honor for us to have served you well. ठीक है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए कि आप लोग आ सके हमारे प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने सोच लिया है कि आना है तो PJ लाइव कोड यूज करो दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म पर आके मुझसे लाइव पढ़िया, PJ लाइव कोड यूज करके 10% ऑफ आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो जल्दी जल्दी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, कोशिश कीजिए कि हमसे बेनिफिट ले सके, ठीक है। KVPY के बारे में जो भी मैंने सब चीज़ें बताई है आपको, ये एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पे मिलना मुश्किल है, सो आई होप आप लोग मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे जैसे आप लोगों ने मेरे पहले के सारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। सो कीप लविंग माई वीडियोज, कीप लाइकिंग दैम, कीप शेयरिंग दैम, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वापस से रिमाइंड कराना चाहूँगा इनफैक्ट, कि 26 अगस्त से
मेरा कोर्स लाइव हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पर KVPY से रिलेटेड, वहाँ पे भी और टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। कोई टेंशन नहीं आने दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। अगर आप लोग मेरे सानिध्य में KVPY की प्रिपरेशन करते हैं देन यू विल हैव नथिंग टू वरी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप लाइकिंग इट, कीप शेयरिंग। थैंक यू।